हेलो लवली पीपल एंड वेलकम टू लिटिल होप। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं आज आपके सामने आकर बात कर रही हूँ, क्वाइट नर्वस, लेकिन आपने इतना प्यार दिया है कि मुझे आना ही पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मेरे चैनल ने आपके सपोर्ट की वजह से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, सो थैंक यू सो मच। अब आपका हक बनता है कि आप ये जाने कि लिटिल होप कौन है, क्या करती है और उसने चैनल शुरू क्यों किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रियल नेम राजी है और मैं एक टीचर हूँ। फॉर्चुनेटली जो काम अच्छा लगता है वो भगवान ने दिया है और माँ प्रकृति से जुड़े रहने के सारे दरवाजे भी उन्होंने खोल दिए हैं। सो बेसिकली आई एम लिविंग अ वेरी वेरी ग्रेटफुल लाइफ। अब आता है कि मैंने चैनल शुरू क्यों किया। मैं अपने वीडियो के एंड में हमेशा कहती हूँ स्टे कनेक्टेड विथ मदर नेचर। पता है क्यों? क्योंकि जो हीलिंग पावर माँ प्रकृति के पास है, वो हीलिंग पावर, वो इंस्पायर करने की पावर दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ट्रेकिंग जब शुरू किया तो पता चला कि हरा दिखने वाला जंगल पतझड़ में रंगीन पत्तों से कितना रंगीन हो जाता है। वॉटरफॉल में नहाना वो किसी भी महंगे स्पा में जाने से ज्यादा ताजगी दे जाता है। जितनी खूबसूरती हरे जंगलों में है उतनी ही सुंदरता बर्फीले पहाड़ों में भी है। जितना अद्भुत समंदर है उतना ही अद्भुत रेगिस्तान भी है। ये सब कुछ देखने के बाद प्रकृति को देखने का नजरिया ही बदल गया। हर एक छोटी से छोटी चीज भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी देने लगी। फॉर एग्जाम्पल कैमेलियन को अंडा देते हुए देखना, कबूतर ने जब पहली बार मेरी बैल्कनी में अंडे दिए और उसमें से दोबारा कबूतर बने, वो पूरी प्रोसेस अपने आंखों के सामने देखना, मेरी फेवरेट अपराजिता में जब पहली बार फ्लावरिंग हुई, या फिर मेरी स्कूल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें कितने कीटक हैं, कितनी मक्खियां हैं, वो सारी चीजें मैं फोकस करके देखने लगी। इनफैक्ट स्कूल में मैंने बच्चों को भी यही सिखाया है कि अगर कुछ भी करो तो ध्यान से करो, प्रकृति में कुछ भी देखो तो ध्यान से देखो। और आज तो ऐसी हालत है कि अगर वो कुछ भी नया कीटक या नई मक्खी भी देख लेते हैं तो दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि बेन हमने वहाँ पर एक मक्खी देखी थी जो हरे रंग की थी, हमने एक मक्खी देखी थी जिसके पर वायलेट कलर के थे। तो इन सभी चीज़ों से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ। अब तक मैंने जमीन में से उगते हुए पेड़ पौधों को देखा था, लेकिन पत्थर चट्टा को जब पहली बार देखा तो पता चला कि पत्तों में से भी पौधे निकलते हैं। हर एक चीज में अगर देखा जाए तो प्रकृति ने जादू बिखेरा है और यही हमेशा से शायद मेरी इंस्पिरेशन बनी है। जंगल की शांति, पंछियों की आवाज, सूरज की रोशनी, हर एक छोटी से छोटी चीज मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग देती है। और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने चैनल के थ्रू ऐसे वीडियोस बना पाऊँ कि जो खुशी मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ वही खुशी मेरे वीडियोस देखकर आप भी अपने अंदर महसूस कर पाए। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल कितना ग्रो करेगा भी या नहीं, चलो ट्राई कर लेते हैं। लेकिन तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि राजी एक बात हमेशा याद रखना कि YouTube पर हजारों वीडियोस हैं, इतना सारा कंटेंट है, तो उन सब में से लोग तुम्हारा वीडियो ही क्यों देखें? बस ये क्यों का जवाब जिस दिन मिल जाएगा वही तुम्हारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होगी। दूसरी बात जो कि मेरे पति ने मुझसे बोली है कि अगर तुम सोशल मीडिया पर हो तो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो में डालो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी लोग कैसा भी वीडियो डाल देते हैं और लोग अपने रूटीन में उसे ट्राई करते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियोस की वजह से किसी को कभी भी कोई भी दिक्कत हो। तो ये दो बातें हैं जो मैं हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ। वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ माँ प्रकृति से जुड़े रहिए। थैंक यू।